मौजूद है 133 तिलहर विधानसभा के एक ऐसे गांव में जिसकी व्यवस्था को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, ये ग्राम पंचायत शजादपुर है। ये क्षेत्र ऐसा है जो निगोही से टचमे है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में अगर हम लोगों से पूछेंगे कि क्या विकास हुआ, कैसा विकास चाहते हैं, क्या परेशानियां, इन्होंने जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव से पहले जिसकी सत्ता रही उस सत्ता में क्या परेशानियां रही, क्या परेशानियों से उन्होंने सामना किया, इस बार क्या बदलाव चाहते हैं, इन सभी बातों पर इस चौपाल में लोग मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस बार किसकी सरकार, इस बार क्या उनके विकास में अच्छा होना चाहिए, किन दौर से उन्हें गुजरना पड़ा है, क्या परेशानियां रही यहाँ पर, किस तरीके की शिक्षा आए और किस तरीके की यहाँ पर स्वास्थ्य है। सबसे पहले यहाँ के जो गांव का मुखिया होता है, हालांकि प्रधान को कहेंगे यहाँ पर अनुपस्थित हैं, लेकिन यहाँ के जो बुजुर्ग होते हैं वो इकाई कही जाती है गांव की, तो बुजुर्ग से ही स्टार्ट करते हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल सिंह। अच्छा बाबा बताओ, और सब बढ़िया है गाँव में? आप ठीक है? बहुत क्या हो गया? अरे गैया बहुत परेशान है। कट्टी गैया कहाँ है परेशान? सब गैया खाए जाती है। अच्छा तो कुछ करवाए नहीं का? हाँ कछु ना है सरकार का, कुछ करवा नहीं का? कछु ना है। कहाँ चाहते हो? हम जाकर गैया ने भी व्यवस्था हुई जाए। और सरकार बंद का दे रहे हो जो बताओ? वोट समाजवादी दे सपा का। हाँ पक्का? पक्का बना लिए। बाबा किसको दे रहे? अरे वोट की तो बात हमारे तो गाँव की धैना आप देखते हो गए ना, कोई जामे से सड़क ना प्रधान खरिंजा ना गिरवैया है। अच्छा वो व्यवस्था बहुत खराब है रोड की? बहुत देखी यहाँ पे तो आए खुले देखी, बहुत देखी। प्रधान से कहेगा? प्रधान से कहे, प्रधान से सुनता जाएगा गाँव प्रधान ना? नहीं सरकार बदल जाए तो क्या पता प्रधान भी मान जाए। हाँ बदल जाए तो शायद मानू भाई आई दे रहे वोट। अरे वोट तो भैया हमारे तो भाई जमना के लोग पास जिस दिन लाइन हो जाए बाई दिया बता दे। अरे बताए थे कांग्रेस दे रहे? कांग्रेस कहाँ गए रख लिया? पक्का? पक्का रुका करवाए बदना। ठीक, और भी तमाम बातें उनसे जानेंगे, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे सबसे पहले जानेंगे कि बाबा क्या नाम है आपका? बादाम सिंह। बादाम सिंह बाबा इस बार बताइए क्या यहाँ की हवा क्या कह रही है इस गाँव की? हवा तो मान लो समाजवादी की, सरकार बदलना चाहते बदलना चाहते हैं। हाँ बीजेपी से परेशान है का? हाँ बनवा लो एक बार फिर बीजेपी। नहीं मान जाओ। अरे हमारो 700 रुपए में धान बिकते है, 600 रुपए कुंटल धान बिकते 3 साल से है कि नहीं? हम कह रहे गल्ला मोदी जी गल्ला 5 किलो दे, गल्ला का दे तो गल्ला हमारो ही देते हैं 500 रुपए कुंटल। तुम्हें बताओ मील बांधने से कमीशन लेते हैं, हमारे गल्ला की तुम्हें बताओ हमें बांटते 100 रुपए का डीजल पहुँच गया है। इलेक्शन के बाद 150 रुपए डीजल भी की तो हमें बीजेपी सरकार किया फायदा। हम सरकार बदलना चाहते हैं। कांग्रेस की बना लो? नहीं अखिलेश भाई की, बहन जी की बना लो? नहीं अखिलेश बहन बहुत बढ़िया। अरे किसान को साथ लेके अखिलेश चल रहेंगे किसान। हाँ किसान से हमें अखिलेश फायदा होगी, अखिलेश की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का नहीं बनाएंगे ना? कौन है यहाँ का प्रत्याशी सपा का? सपा का रोशनलाल वर्मा जी। रोशनलाल तो पहले उसमें थे बीजेपी में भाग गए। हमें उनसे क्या, तो पार्टी भाग गई तो हमें पार्टी का हम भाई हम कह रहे हैं उनसे कोई मतलब ना है। अच्छा आपने ये बिल्ला लगा के रखा है कांग्रेस को वोट दीजिए क्या? कांग्रेस की पक्का है। पक्का? हाँ पक्का। मानेंगे नहीं? अरे कांग्रेस भाई ये समझो मेरे भैया हमारी सुन लिया BA MA लड़का हमारे नाती जे सब खाली 2 साल से घर बैठे हैं, लेकिन बीजेपी कटोरा लेके भीख मांगने हम लोगों ने कर दो। इसने हाँ इसने जे पढ़ाई की शिक्षा सब बंद है इनके, तो तुम्हें बता मैं विद्यार्थी में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने किसी कतई बच्चा सब मट्टी कटी है। सत्ता बदलवाए ही जरूर। और भी दूसरे भैया ये आपने लगा रखा है इस पे लिखा है कांग्रेस को वोट दीजिए क्या है भैया? कांग्रेस मानो चार बढ़िया पार्टी है। बढ़िया पार्टी? हाँ पूरा लिखा है नीचे लिखो कर्जा जो लिखा भैया सुनाइए। कांग्रेस किसानों का पूरा कर्ज माफ। अच्छा चाहे 10 लाख हो चाहे 5 लाख की नहीं माफ करवाएगा? कछु न करो शरण मोचन योजना भाई 90 रुपया भाई। और जा परचम का लिखो, और जा परचम का लिखो भैया जरा पढ़ के बतायो। जब किसानों का पूरा कर यहाँ पर गन्ना गेहूं लिखा का है? हाँ गन्ना गेहूं धान गन्ना समझो गेहूं धान और 400 में गन्ना। अच्छा ग्रेट क्लियर करो जी। प्रियंका जी करवा रही का? प्रियंका जी प्रियंका कुछ करवा रही का? हाँ और भी बताओ बिजली बिल हाफ हाफ। हाँ माफ हाफ हाफ हाफ। अच्छा अब कोरोना काल का बकाया साफ। अच्छा हाफ साफ। हाँ अरे वाह। और दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार। अच्छा परेशानी जो कोरोना के बस दूर कर देंगे। बहुत बढ़िया। और क्या कर रही प्रियंका जी खान? और क्या कर रही? अब 20 लाख सरकारी रोजगार।
सरकारी रोजगार जो जो भैया 20,000 सरकारी रोजगार 1,00,000 हाँ यही बात है सही बात है सही बात है। बच्चा नौकरी करी और गाली खा के अब मुफ्त होगा 1,00,000 तक का इलाज। अच्छा बीजेपी में नहीं हुआ का बीजेपी अब भाई चलाओ तुम्हें ले चला सरकारी अस्पताल पर्चा लिख दी और मेडिकल पे तुम्हें भेज दी। अच्छा तो और 500 रुपया मतलब कि पर्चा लिख कर बाहर से दवा लेनी पड़ती है बाहर से। अच्छा फिर और का लिखा आगे जरा बताओ हमको। और संविदा कर्मियों के लिए अच्छा ठेका कर्मचारी को नियमितीकरण अरे बहुत कुछ दे रही है तो बहुत कुछ तो मन मना लिए मन कतई बनी गयो तो अब की मन ही होना है बाबा की कतई राजमान है बाबा जी तो कह रहे कि अब की हम कांग्रेस की इतनी उन्हें दिखाई दे पूरी लिस्ट दिखाई दे बाबा योगी 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 जी देख कह दे की बित्रा गोल कर ले और उत्तराखंड में चले जाए क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे बताइए। यही बात है रखी तो अब कहीं का वोट दे दो बिल्ला अल्लाह बहुत जोरों छोरों से लगा बिल्ला कांग्रेस मतलब कहते एकदम कांग्रेस के आशिक कांग्रेस के आशिक कांग्रेस पार्टी बढ़िया है पीछे कर्जा वो मानो जो बात कही तो ऐसे समझो बात सांची नहीं करी और योगी जी ने तो इधर समझो पीछे कहो तो आधो ना करो तो पार्टी को बदलाओ। यहाँ पे चाचा से यहाँ के जो है चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुलायम सिंह। बाप रे मुलायम सिंह यादव नाम ही है कि काम भी है? नाम ही है नाम ही है काम है वो बार क्या कर रहे हैं आप? हम जा कर रहे हैं कि हम जब बीजेपी से बहुत परेशान है जी बिल्कुल और वोट अभी सपा में देने हमें को बदलने भी है। अच्छा हाँ। मन बना लिया मन बना ले कतई कतई इससे बहुत परेशान जाने बहुत महंगाई फैलाई दी। अच्छा महंगाई हाँ। बहुत परेशान हर आदमी परेशान है। और बताओ तो खेते थे कि नहीं जानवर को लेके क्या है कोई गौशाला बना है क्या? कोई कछु नहीं है जब ऐसे छुटे घूमत लड़का बच्चा की नौकरी वोकरी मिली कोई नौकरी नहीं। पीछे तो कह रहे कांग्रेस के उन्हें बहुत गुण गिना दिए जो पीछे वाले खड़े कहाँ गए भैया? ये कांग्रेस वाले तो बता दिए बहुत गुण दे दिए अपने बता दिए ये यहाँ आओ जरा ये बता रहे तो इनका बताओ भैया ये तो कह रहे सपा के दे सपा के ये तो हमारे सब कुछ गिना दिए मन का बनाए हम तो अपने सपा के लिए बनाओ मन। अच्छा हाँ कांग्रेस के लिए बना लो काहु के लिए नहीं। अच्छा बीजेपी के लिए बना लो किसाब के लिए नहीं अरे बीजेपी समाजवादी चलो किसी की नहीं महन जी की नहीं किसी की नहीं महन जी की कतई नहीं गांव में कोई विकास विकास नहीं हो रहा कुछ विकास नहीं हुआ समाजवादी सरकार बनने जा रही है बिल्कुल पक्का मन मना लिए मन मना लिए। बाबा आप बताइए क्या होना चाहिए बच्चों के लिए यहाँ स्कूल स्कूल की सुविधा क्या है? अभी सुकून लगी तो खैर सुविधा सही है खैर हाँ रोड वोड ठीक है रोड रुका रोड कहूँ तो साइकिल ना निकली पाती और रुका हाँ पैदल निकलते का अरे पैदल निकल तो उन्हें फाँद के लड़का बच्चा कैसे निकल ये फिर नए बाल कूद जाते हैं और हम साथी रपटी जाते। अच्छा तो सरकार किसको बना रहे हैं? सरकार किसको बना रहे? सरकार घर के हलिया से बना लिए। अच्छा अब विधायक यहाँ के कौन रहे है? विधायक कौन रहे यहाँ? अब विधायक जो कुछ हाई तो हाई समझो विधायक तो रोशन है लाल जैसे टिकट तो मिलो है नहीं बीजेपी में रहे तो उन्हें कोई काम है ये गांव के रोड तो बनवा नहीं पाए का गारंटी है की सपा में आके करवा देंगे? अब जा तो बात उनके गाँव में भाई रही है उससे पहले बनाए इसके बनवा रहे सरकार जो रत्ता बनवा दी उसे हम बनवा छोड़ो भाई हम अपने को वोट दे दी का दे दियो वोट रत्ता बनवा दे क्षेत्र में विकास भैया बढ़िया चाहते हम बढ़िया चाहते हैं फसल के लेके किसान आदमी बहुत परेशान बहुत परेशान महंगाई बहुत परेशान हाँ। तो क्या चाहते हैं महंगाई कम होनी चाहिए महंगाई कम पढ़ाई लिखाई हो पढ़ाई लिखाई सरकार ने तो बेकार कर दी भाई लड़का बच्चा जैसे पढ़ी लिखी इतना गए हैं नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है घर बैठे पढ़ाई ना है भैया अच्छा और दिक्कत है कहा चाहते हैं फीस बराबर जाते बराबर फीस जा रहे हाँ स्कूल स्कूल अच्छी सुविधा नहीं स्कूल जाते हैं दुशान से प्राइमरी स्कूल नहीं है स्कूल तो स्कूल बंद है तब मास्टर नहीं आ रहा सरकार स्कूल बंद कराई दे स्कूल बच्चा घर में पढ़ाई कर रहे नहीं घर भी जाए प्राइवेट पढ़ाते अच्छा पैसा दिया तुम्हारे अच्छा हाँ कोरान कोरान सब स्कूल बंद क्या है मन बना लिए किसके किसको दे रहे बीजेपी दे रहे अखिलेश अखिलेश हाँ मन बनाए हाँ खूब कसम खा ली कसम खाए मान जाओ ना ना बीजेपी अरे अखिलेश कांग्रेस बीजेपी भूल भूल के वोट मार कौन है विधायक रोशन लाल वर्मा क्या दे रहे हो रोशन लाल वर्मा दिए अच्छा एक बात बताओ सलोना के काहे नहीं दे रहे वो भी तो यहीं के रहने वाले वो यहाँ के रहने वाले सीट उनकी लिख रही सपा वालों की तो बरेली के हैं यहाँ अच्छा वे बरेली रहने वाली है अच्छा हाँ। लोगों का कहना है कि जो क्षेत्र में विकास कराएगा सरकार उसी की ही बनेगी जो बच्चों की बच्चों के भविष्य पर खरा उतरेगा शिक्षा अच्छी करवाएगा जो क्षेत्र में विकास करवाएगा और जो कर्जा मुक्त जो मुक्त करवाएंगे और जो खुले छूट ग्राम क्षेत्र में जो खुले जानवर छूट रहे हैं इनसे काफी किसान परेशान है। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आप सभी ग्रामवासियों को बहुत